वेलकम टू इंडियन ब्लॉगर जैस्मिन। इंडियन ब्लॉगर जैस्मिन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? हेलो हाय सभी को। और ये प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ और सन भी दिख रहा होगा आपको। ये देखो सर, ये पूरा वेस्ट है, वेस्ट डायरेक्शन है ये। लेकिन पता है अभी ये देखो सन, ये तो मैं अभी आपसे बात जो करने जा रही थी, कई दिन से मैंने आपको सोचा इसके बारे में बताऊं कि किचन में प्लांट्स रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये डायरेक्शन वेस्ट में, वेस्ट और साउथ की बीच में पड़ता है। मैंने यहाँ मनी प्लांट्स दो जगह लगा रखे थे। मैंने एक बार आपको शो भी किया था इस तरह की, ये जो फ्रूटी की बॉटल है ये देखो मैंने रखा है जी। और इसकी रूट फॉर्मेशन देखो, इसकी ग्रोथ देखो, ये 2 फीट लॉन्ग हो रहा है और भी हो रहा है। पहले मैंने इसको एकदम छोटे छोटे प्लांट्स मैंने इसके बनाए थे, इसके इतने छोटे छोटे ही प्लांट्स रखे थे, इतने छोटे छोटे, आपने देखा भी होगा। और ये अभी 4 मंथ्स हो गए हैं इसको। फेब में मैंने इसको रखा था कटिंग करके, तो मुझे यहाँ पर ना पॉजिटिव किचन में पॉजिटिविटी बिल्कुल ही नहीं लगती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कुछ अच्छा नहीं है, अच्छी फीलिंग नहीं आती थी। मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, आप प्लीज़ सिंसनेवेर या स्नेक प्लांट जो होता है या एलोवेरा या ये मनी प्लांट, ये तीनों ना शुक्र से रिलेटेड हैं, तो आप अगर इसे रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा, यहाँ पर पॉजिटिविटी फील होगी। और मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत ही नेगेटिविटी फील होती थी, मतलब कभी मैंने अच्छा फील किया ही नहीं इसको यहाँ पर। और जब से मैंने इसको यहाँ पर रखा है ना, ये एक्चुअली 2 बॉटल्स में था, एक बॉटल मैंने खाली कर दी है। और ये भी मैं दिखाऊंगी कि इसको मैंने कैसे डेकोरेट किया है। अब आप ये सोचेंगे ये थ्रेड किसका है, एक्चुअली मनी प्लांट को रेड कलर के थ्रेड से बांध के रखना चाहिए। और ये मैंने इसमें देखो छोटी लीव आ रही है, जैसे ये लीव येलो हो गई है तो इसको आप निकाल दो। मैंने जानबूझ के रखा था कि मैं आपको दिखाऊंगी फिर क्या बताऊंगी क्या, क्योंकि मैंने इसकी सफाई कर दी है। और ये देखो नीचे गिर रहा है, ये इतना लॉन्ग हो गया है, ये कम से कम 4 फीट हो गया है, 3 फीट तो पूरा बोल सकते हैं, 4 फीट तो मैं नहीं बोलूँगी। ये देखो मैंने इसको इस तरह से रखा है। अब यहाँ बांधना है, इसको बांधना चाहिए आपको, जैसे ये ना अगर बड़ा हो रहा है तो बांध लो इसको। मैंने इसको बांधा नहीं है, इसको वैसे फंसा दिया है। अगर कोई हल्का कोई धागा है तो वहाँ उसे बांध देना चाहिए। इसका प्रोपेगेशन मैंने वाटर में किया है, 4 मंथ्स हो गए हैं। मैंने बीच में भी एक वीडियो में आपको शेयर किया था, मनी प्लांट वाले वीडियो में, कि मैंने कैसे कैसे मेरे घर में कहाँ कहाँ मनी प्लांट हैं और किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इसको देखो इतनी हेल्दी ग्रीन लीव्स हैं। अगर येल्लो लीव्स अचानक कभी कभी इसमें आते हैं तो आप समझ लो आपके मनी या आपके घर में कुछ है, कुछ नया होगा, जैसा भी चाहे खर्च हो चाहे जो भी हो, लेकिन ये जो भी होगा संभल जाएगा। ये जरूर निशानी होती है उस येलो लीव्स को ना, मैं उठा करके बाहर रोड के साइड जो गार्डन होता है ना, जो घास होती है, जो सॉइल होता है, वहाँ डाल देती हूँ। तो उसको हटा करके दूर फेंक डाल दिया करें। और ये देखो ये मैंने ऐसे बांधा हुआ है, और आप ये देखो अंदर भी बांधा हुआ है। पहले मैंने ऐसा नहीं किया था, जब भी मैं इसको, जब ये बढ़ने ग्रोथ होने लगती है ना, देखो ये इतनी लंबी है, अब ये ग्रोथ हो रही है इतनी अच्छी, अब ये लंबा होने लगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा कि आप ये तब कैसे केयर करेंगे और तब आप इसको कैसे वॉश करेंगे, क्योंकि इसको गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा वॉश करना पड़ता है, सारा वाटर जल्दी से चेंज कर। जैसे अभी देखो मैंने परसों ही किया है, आज मुझे इसे करना था लेकिन मैंने आज नहीं किया। आप देखो ये हल्का हल्का डर्टी हो रहा है, अब कल मॉर्निंग में मुझे इसको वॉश करना होगा, ठीक है। इसको मैंने 2 जगह बांधा है और इसको ब्रेड जैसा बना दिया है, चोटी बनाते हैं ना, तो इसको मैंने ब्रेड की तरह बांधा है। ये देखो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये देखो ये ब्रेड बांध, ये ऐसे कर, ये देखो सबको मैंने इक्वल किया। उसके रूट को जब भी आप वॉश करते हैं इस प्लांट को, जब भी वाटर प्रोपगेशन कर रहे हैं तो रूट्स को ना जितना हट जाए रूट्स उतना अच्छा, जब भी आप इसको वॉश करें जोर कर, तेज से करें, थोड़ा तेज वाटर में करें और इसको इसकी रूट्स कुछ हट जाने दो, मतलब इसकी रूट्स को ना जो अननेसेसरी रूट्स हैं हटा दो।
और वो सारे रूट्स ना बड़े बिग प्लांट पॉट्स प्लांटर्स पॉट्स में डाल दें, फेंके ना बाहर। तो ये देखो, ये मैंने एक बार रखा, उसके बाद ये यहाँ बांधा और मैंने यहाँ एक बार किया, ये बांधा है और उसके बाद ब्रेड एक चोटी बना दी है। ये देखो चोटी आपको शायद दिखे ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी डंडियाँ हैं, तो मैंने चोटी को बहुत टाइट नहीं बांधा है, मैंने टाइट नहीं बांधा है चोटियों को, चोटी को ना बिल्कुल टाइट नहीं बांधा है। आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी रूट्स मैंने हटा दी थी अननेसेसरी जो भी थी, और ये वाटर है, मैं दूर से भी दिखाती हूँ, ये देखो बांधा हुआ है, ये देखो बांधा हुआ है। तो मेरे पास जो थ्रेड अवेलेबल था मैंने उसी से बांधा है इसको, और ये शुक्र से रिलेटेड है, ये अगर किचन में है तो किचन मंगल और शनि से रिलेटेड होते हैं, मंगल से ज़्यादा फिर शनि, तो हम यहाँ पर बुध को, ग्रीन कलर बुध से रिलेटेड है, मनी प्लांट शुक्र से रिलेटेड है, और ये सबके सब फ्रेंड्स हैं, इनको कहते हैं ये लोग दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं, हानि नहीं करेंगे, अगर बहुत कुछ बढ़ाएंगे नहीं तो हानि भी नहीं करेंगे। अब जैसे ही मैं आपको ये दिखाती, मैं धो रही थी ना उस दिन, तो ये कहीं ना कहीं टूटेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही, इनको बहुत बड़ा हो जाए ना प्लांट तो फिर मुश्किल हो जाती है। ये देखो कई जगह से हट गई, ये मैंने देखो ये तोड़ा हुआ है, क्योंकि ये न्यू ग्रोथ थी और मैं यहाँ पर काम इनको वॉश करने के लिए लाई, ये लोग इतने उलझ गए थे। आप पहले वाला पुराना वो वीडियो अगर देखेंगे मेरा, तो उसमें ना ये आप देखना दो बोतल है, उस दोनों बोतल के मनी प्लांट को मैंने एक ब्रेड में बांधा है, एक एक जगह करके उसकी चोटी बनाई है, चोटी बनाकर इस तरह से यहाँ बांधा, फिर चोटी बनाई, चोटी बनाकर मैंने यहाँ ये यहाँ पर भी बांधा, फिर मैंने देखो यहाँ बांधा ये, और इसके ना कई जो सॉफ्ट लीव्स थी वो टूट गई, इतने उलझ जाते थे ये कि मैं वॉश नहीं कर पाती थी इनको, और इनको भी नुकसान होता था। अभी देखो अभी भी मैंने इनको ठीक नहीं किया है, ये देखो दिखाती हूँ, जब आप इसको, इसलिए ना आप इसको जब लगा रहे हो या तो तभी बना दें, जब इसकी ग्रोथ होने लग जाए ना तभी आप इसको बना दें। ये देखो मैं इसको आपको दिखाती हूँ, सारे अभी भी दबे हुए हैं कहीं कहीं। आज मुझे इसीलिए चाहिए इसके शेयर करनी है कि अगर आप इसको किचन में रखा है या ऐसी जगह रखा है जहाँ नीचे ये बार बार ना गिरे, जैसे अब यहाँ गिरेगा तो ये कहाँ जाएगा, कभी इधर जाएगा, ये ठीक नहीं था, मुझे सही नहीं लगा। तो पहले ये गिरते रहते थे कभी इधर, और कभी आंधी आई तो ये कभी कभी तो पूरा बॉटल गिर गया, या आंधी आई हवा, जैसे विंडो खुली है और तेज़ हवा आई कभी भी आ जाती है, तो ये पूरा का पूरा प्लांट ना एकदम यहाँ गिर जाता था बिल्कुल, और कई बार तो बॉटल भी गिर गई। तो अब क्या है, मैंने इनको बांध दिया है तो कितनी भी हवा आएगी ना कुछ किसी को कुछ नहीं होगा, तो मुझे यहाँ से हवा जो आती है बहुत अच्छा लगता है रहना, बहुत ही सही लगता है। और इसको लगाने के बाद से जो पॉजिटिविटी मुझे फील हुई है, मुझे जो एहसास हुआ वो ये कि मुझे बहुत ही खुशी दी है, मैं एक्टिव रहती हूँ, चाहे मेरी कितनी भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो लेकिन कुछ देर बाद मुझे अच्छी ही फीलिंग आती है। आप इसे ट्राई ज़रूर करें, और ये कभी ना सोचें कि किचन में आप प्लांट्स नहीं रख सकते। मैं नहीं जानती किसने बोला, क्या बोला, क्यों बोला, आई डोंट नो, लेकिन मैंने जब इसमें किचन में प्लांट्स नहीं रखे थे तो मुझे कभी भी अच्छा फीलिंग नहीं आया। मुझे किसी ने ही बोला था कि आप प्लांट्स रख के देखें, दो तीन प्लांट्स बताए थे, तो मैंने नाम बताया आपको, मनी प्लांट, पॉथस, और आप ये कह लें इसको सिंसिलोवेरिया, स्नेक प्लांट और एलोवेरा, बोला था यहाँ रखने, मैं एलोवेरा भी यहाँ रखूँगी, मेरे पास एलोवेरा है, तो सोचा अलग अलग कुछ प्लांट, स्नेक प्लांट मेरे पास नहीं है, मेरी कई फ्रेंड्स हैं जिनका वीडियो बाय माइक और उनके पास इतना अच्छा कलेक्शन है स्नेक प्लांट का, तो स्नेक प्लांट ना यहाँ पर 500 से नीचे नहीं देते, और मुझे कहीं अच्छा मिला नहीं, तो मैं कहीं भी अच्छा मिलेगा तो मैं उसे लेके आऊँगी। अब देखो ये गिर रहा है, ये इतना ग्रोथ हो गया है ना, 3 फीट हो गया, ये देखो नीचे से लेकर, ये देखो इनकी ना लीव्स हटाते रहे आप, और मैंने इनकी लीव्स हटाई है, लेकिन लीव्स हमेशा येलो नहीं होती, मैंने ये देखा है जब कुछ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही हो ना तभी लीव्स येलो होती हैं। अब ये गिर रहा है, मुझे इसको ना तुरंत बांधना है, अभी ध्यान आया इसका, देखो मैं आपको दिखाने आई जब कि ये मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि एक स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है वो देखो, और एक थोड़ी छोटी है। तो फिर आप ना इस तरह से केयर करके अच्छे से इसको रख सकते हैं, क्योंकि ना अगर आप दो बोतल में मैंने रखा था, वो इतने उलझते थे कि जब मैं धोने जाती थी ना कई लीव्स उनकी ब्रेक हो गई,
और मैंने ये तरीका निकाला कि ये तरीका बहुत ही अच्छा है और बहुत ही हेल्पफुल है। अब आपको जब भी वॉश करना है, आप चाहे तो इसको कुछ ना करें, विंडो खोल दें और वो जो स्प्रे आता है ना, हैंड स्प्रे जैसे इस तरह के, ये जो स्प्रे आते हैं तो इस तरह का है, तो इससे मैं वॉश कर दूँगी। अब मैं इसको ले जाके यहाँ नहीं करूँगी, ठीक है, मैं यहाँ नहीं करूँगी। और ये जो जब मैं इसको निकालूँगी तो किसी बड़े जो जैसे ये पतीला है, ये इसमें रख के इसकी रूट्स वॉश करके आप आराम से इसको चेंज कर सकते हैं। नहीं तो कुछ नहीं करना, आप खाली पानी चेंज कर लो, पानी जल्दी जल्दी चेंज करते रहो और नीचे से रूट्स हर 3 मंथ्स पे काटते रहो, हटाते रहो। जब इसके अननेसेसरी रूट्स आप थ्रो करते हो तो आप थ्रो प्लांट, जो बड़े बड़े प्लांटर बाहर रखे हैं ना, जैसे वो देखो रखे हुए हैं, उसमें आप डाल सकते हो, रूट्स अच्छे होते हैं। थोड़ी सी मिट्टी हटा के उनको डाल दो, वो प्लांट्स को ही फ़ायदा करेगा। अब मुझे ना यहाँ ज़रूर बांधना होगा, ये देखो कितनी जगह इसको बांधना बहुत ज़रूरी है। और आप इसको अब मूव ना करें, इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। और बर्ड्स देखो भाग गई, यहीं बैठी हुई, इसे देखो चुप के बैठी हुई है, मैं भी यहीं होंगी। कभी कभी तो वो भी यहाँ बैठी रहती है। तो मुझे आज इस मनी प्लांट की वाटर प्रोपोगेशन बहुत इजी है, ये मैंने बताना था। और एक साथ प्रोपोगेशन किया है तो प्लीज़ जब 2 मंथ्स हो जाए या वन मंथ तो नहीं मैं बोलूँगी, 2 मंथ्स में अच्छी ग्रोथ करता है ये, जब करने लग जाए तो सारी नीचे की थोड़ी लीव्स हटा दी। मैंने तो बहुत नहीं हटाई, देखो अंदर पड़ी है लीव्स, मैं लीव्स नहीं हटाती सारी। अगर वो हट गई हैं, टूट गई, ब्रेक हो गई हैं, तब तो मैं तुरंत हटा देती हूँ। अगर वो ब्रेक नहीं हुई है, कहीं हैं लीव्स, नीचे हैं लीव्स में से, मे बी लीव्स हैं इसके नीचे, यहाँ देखो कहीं कहीं हैं, मैंने सबको नहीं हटाया। आप ना इसको ज़रूर ट्राई करना, इसको इस तरह से तरीके से। और किचन में जो ये बात है कि आप नहीं रख सकते प्लांट, तो मुझे ये बिल्कुल गलत लगा, मुझे सही नहीं लगा, मैंने भी कभी नहीं रखा। लेकिन जब रखा है तो मुझे इससे फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं। और वो देखो येलो डंडी हो रही है, इसको सीजर से आप हटा दें, खींचे नहीं जोर से, अब वहाँ देखो बांध रखा है। लेकिन वहाँ बांधने की ज़रूरत है, इसको सहारा देने की ज़रूरत है। और नहीं तो अगर आपके पास लॉन्ग स्टिक है ना, अगर आपके पास स्टिक है तो आप स्टिक के साथ भी बांध दें। अगर आपके पास स्टिक है तो स्टिक यहाँ से अंदर से जाएगा और ऊपर तक, और स्टिक को ही उस विंडो से बांध दें, जैसे ऊपर तक बांध दें और स्टिक में इसको बांध दें। लेकिन मेरे पास इतनी लॉन्ग स्टिक अभी अवेलेबल नहीं थी जो मैं यहाँ रखूँ। एक्चुअली ये डेकोरेटिव प्लांट हो जाता है घर के अंदर रखने से, और डेकोरेटिव में मेरे पास ऐसा कोई वुड नहीं था, जो वुड थे वो पेड़ों की ही लकड़ियाँ थी, तो वो मैं लाई नहीं। आप चाहें तो उन पेड़ों की लकड़ियाँ अगर कोई सीधी मिल जाए तो उनको पेंट कर दें, पेंट करने के बाद आप आराम से इसमें लगा दें। लेकिन मैंने उसे नहीं लगाया क्योंकि पानी में रहने के बाद हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, और इस प्लांट को भी, इसलिए मैंने नहीं लगाया। अब मैं इसको कभी नहीं ऐसे हटाऊंगी, आराम से यहीं से वॉश कर लूँगी। आप चाहें तो वाटर अगर ज़्यादा गंदा हो रहा है तो किसी बड़े बर्तन में इसका वाटर निकाल लें, और इसके रूट्स, इसका जो पानी है आराम से बाहर निकल जाएगा। पहले उसके पानी को फेंक आए, और कहीं फेंकना नाली में नहीं है, उसे ऐसी जगह थ्रो करना है जैसे प्लांट्स में डाल दिया, वो जो बड़े प्लांटर्स हैं उनके पॉट्स में डाल दीजिए। मनी प्लांट का जो पानी वाटर होता है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है प्लांट्स के लिए, सभी प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद रहता है। आप चाहें तो छोटे छोटे जो प्लांटर्स हैं उसमें डाल दें, बहुत ही मतलब अच्छा होता है। मैंने इसको कई बार डाला है और इसे फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो मनी प्लांट का पानी अगर हफ्ते दिन वन वीक हो गया है, तो मैं काफ़ी क्लोज दिखा रही हूँ आपको, 1 वीक हो गया है और आप वॉश करने जा रहे हैं तो इसके वाटर को फेंके नहीं। तो ये सब नॉलेज ना तभी होता है जब हम लगाते हैं, किसी के कहने में आके आप किचन में आप नहीं रख सकते, ये तो मुझे सही नहीं लगा। आप डाइनिंग टेबल पे ना रखें, लेकिन आप यहाँ रख सकते हैं। एक स्नेक प्लांट रखें और मनी प्लांट जरूर रखें, और आप फिर पॉजिटिविटी जो है उसका आभास जरूर करें। तो मैंने ये एक टिप जरूर बताई है जो मुझे वास्तु से रिलेटेड पता है, जो ऑस्पिशियस है। यहाँ पर शुक्र से रिलेटेड अगर हम कुछ भी रखते हैं वो अच्छा ही होगा। उल्टा शनि और मंगल अगर आप पे भारी हैं, और इसको मैंने रखा है, तो बुध और शुक्र दोनों उसको शांत रखेंगे और अच्छा रखेंगे और सही रखेंगे। कुछ तो हम
फायदे में ही रहेंगे, नुकसान में कभी नहीं रहेंगे। ये देखिए, तो जो किचन होता है वो मंगल किचन शनि से रिलेटेड होता है। मंगल शनि की फ्रेंड्स हैं बुध एंड ये शुक्र। अब आपने देखो दोनों को रख दिया, बुध को भी रखा है शुक्र को भी रखा है बीच में, और ये डायरेक्शन वेस्ट एंड साउथ है। अगर आपका किचन ईस्ट में है तो ईस्ट के कॉर्नर पे आप रख सकते हैं इसको। सी, और इसकी ग्रोथ इतनी लश ग्रीन लीव्स हैं, इतनी हेल्दी है, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, मैंने कोई चीज़ नहीं डाली है। और ये देखो इसका ग्रोथ बहुत खूबसूरत है, मुझे आपसे शेयर करना था, मैं इसको सही करके दिखाना चाहती थी। पहले वीडियो में दिखाया मैंने दोनों बॉटल्स को जिसमें ये उलझे हुए थे, तो उलझा हुआ मनी प्लांट कभी नहीं होना चाहिए। या तो ऊपर जा रहा है फिर प्रॉपरली सिस्टमेटिकली वो नीचे आए, फिर आप उसकी लेंथ लंबी नीचे हो रही है तो नीचे से उसको वापस ऊपर करें, ये इसका नियम होता है। अगर आप इसको ऐसे नहीं, अगर आपकी कटिंग प्रोपगेशन में है तो आप इसको इस तरीके से रखें। और भी प्रोपगेशन मैंने कर रखा है, मैं आपको उसको दिखाती हूँ, ठीक है। और ये मैं मुझे ये ज़रूर शेयर करना था आपसे। अब मैं आपको इसमें, अगर आपको इसमें कुछ क्वेरी है, कुछ लगता है कि नहीं ये पॉइंट सही है या गलत है, तो आप मुझसे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा, मैंने ये जो किया ये कैसा है। मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहीं कहीं है ना लीव्स थोड़े से इस तरह से हो गए क्योंकि मैंने इनको बांधा है, और अगर पहले ही बांध दिया होता 2 महीने पहले तो सही था। तो हमेशा प्रोपोगेशन जब कर लें और ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही हो तो प्लीज़ स्टिक का यूज़ करें, और अदरवाइज़ वहाँ बांध सकते हैं तो बांध दें, क्योंकि विंडो की भी सफाई हो जाएगी। जैसे मैं तो यहाँ, ये हमेशा ना यहाँ बारिश बहुत तेज़ आती है और हवा हमेशा इतनी तेज़ होती है। तो ये देखा आप, अब मैं आपको इसको दूर से दिखाती हूँ। ये देखो बॉटल है, 2.2 पॉइंट से ऊपर वाली जो बड़ी बॉटल है ना वही है, और एक बॉटल खाली हो गई है। तो मैं देखती हूँ उसमें क्या रखूँ अभी। ये देखो, तो मेरे पास स्नेक प्लांट होता तो मैं उसको वाटर में यहीं पर प्रोपगेशन में रख देती, मेरे पास नहीं है। एलोवेरा है तो एलोवेरा को वाटर में रखते हैं या नहीं रखते मुझे नहीं पता। ये है, मुझे आज शेयर करना था। ये डेकोरेटिव पीस में आ गया, और डेकोरेशन किचन की कैसे करनी है इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगर आपको ये चुन्नी एकदम दिखाना नहीं है, शो नहीं करना है, मैंने तो सामने बांध दिया है, क्योंकि इनको थ्रेड से बांधना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे इसका रीज़न जो भी हो। और ऊपर भी मैंने देखो एक ही चुन्नी है, ऊपर 2 चुन्नी नहीं है, तो उसको प्रॉपर वे में मैंने नहीं बांधा है अभी, क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ रही है, उस हिसाब से मैं उसको वहाँ से कट करूँगी। और कट करके उसी, ये चुन्नी बहुत लंबी है, ये देखो इसकी जो चुन्नी आप देख रहे हो ना, ये देखो बहुत लंबी है, आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये है ना, ये एक ही है, तो मैं इसको अभी प्रॉपर वे में काट के फिर वहाँ ज़रूरत है वहाँ पर बांधूँगी। अगर वो गिरता भी है प्लांट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। और इसकी ये जो लुक है ना किचन का, ये चेंज हो गया है। ये देखो ये लुक देखो कितना चेंज हो गया, ये लुक बिल्कुल ही चेंज हो गया, इतना अच्छा लगता है ना। पहले देखो बिल्कुल मैं यहाँ पर खड़ी, ये जैसे एक खाना बना रहे हैं आप, तो ये बिल्कुल ही अब अच्छा लगता है, सही लगता है मुझे। ये देखो आप खुद देख रहे होंगे इसका लुक कैसा है, और इतना लंबा हो गया, आप विंडो से देख सकते हैं। तो ये प्रोपगेशन भी बहुत अच्छा है, यहाँ रखना भी बहुत अच्छा है। अब ये किचन डेकोरेटिव आइटम की तरह हमें यूज़ करना है, तो जो थ्रेड है सुंदर होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए। आपके साथ बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स आते हैं, सैटन की बच्चों के प्रोजेक्ट में होता है ना, वो बच्चे लगाते हैं जो सैटन के रिबन्स आते हैं, आपके पास वो है ना, वो आप लगा दो। मैं ढूंढ रही थी, मेरे पास ऑरेंज कलर का है लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैंने अभी इसको इस तरह से बांध दिया है। जब वो मिल जाएगा तो मैं उसको प्रॉपर वे में उसको यहाँ से छोड़ दूँगी, मैं बेशक यहाँ से रोल करते 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 स्प्रिंग की तरह रोल करते करते इसको लगाना है, और यहाँ से लगा के
मतलब यहाँ से उसको यहाँ से शुरू करेंगे एक गांठ से और यहाँ 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 बांध देंगे ताकि ये इधर उधर बिखरे नहीं। और ये देखो यहाँ तक मैं ला करके उसको ऊपर बांधूंगी, मैंने अभी यही सोचा है, लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। अगर आपके पास हाफ मीटर या वन मीटर में है तो इसमें हाफ मीटर करीब लगेगा, आप चाहें तो उसको डबल कर लें और या तो नीचे से गांठ लगा के उसी से बांधें, इसको ना बांधें। अगर आपको ये पसंद ना हो तो सैटन की रिबन जो आती है रेड ऑरेंज पिंक, आप उस कलर से भी इसको बांध सकते हैं, उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा ये। मैंने वो ये है उसका लुक, और ये मुझे यहाँ रखने के बाद इतनी पॉजिटिविटी मिली है कि मैं बता नहीं सकती। तो ये थॉट तो बिल्कुल ही रॉन्ग साबित हुआ है कि आप किचन में प्लांट नहीं रख सकते, नहीं मैं नहीं मानती इस बात। मैं ये बता रही हूँ कि मैंने जब से रखा है आई एम हैप्पी। येलो और रेड ये कलर बहुत ही अच्छे लगेंगे, आप इसको उसी से बांधें। मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, आप ये ना सोचें कोई भी रेड कलर का हो ऑरेंज हो इसे सब चलेगा, येलो भी चलेगा, आप उससे बांध सकते हैं। ये देखो येलो तो ना बांधें, रेड बांधें। रेड कलर ना मंगल का होता है और वो इनका फ्रेंड है, और बेटर है कि आप वही कलर यूज़ करें जो शुक्र और मंगल से रिलेटेड हो, तो आप इसमें वही कलर बांधें रेड से रिलेटेड। ऑरेंज बांध सकते हैं, रेड बांध सकते हैं, ऑरेंज डार्क। तो ये देखो, और उसको कैसे बांधना है मैंने आपको बताया है, आप चाहें तो नीचे भी नीचे कट करके पहले उसको बांध लें, फिर ऊपर जो ले ऊपर से जब यहाँ यहाँ से जब उसको बांधेंगे तो यहाँ से बांधने के बाद अंदर की स्टेम से उसको रिंग ऐसे 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 करके स्प्रिंग की तरह लेके जाएं और ऊपर जाके स्टिक कर दें किसी भी चीज़ से बांध लें। तो प्लीज़ आप वैसा करें, मैंने तो आपको ये आइडिया दिया। और सबसे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किचन में प्लांट रख सकते हैं और इसको वॉश करते रहिए। जब तक छोटा होता है मैं इसको फटाफट यहाँ लेके आई और वॉश कर दिया सिंक में, लेकिन अब बड़ा हो गया है तो अब इसको मैंने आपको बता दिया है प्रोसीजर कैसे इसको वॉश करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका वाटर कभी नहीं फेंकना है, इसका वाटर छोटे छोटे प्लांटर्स जो हैं आपके उसमें डालें, उससे प्लांट। और ये देखो लश ग्रीन लीव्स हैं, इसकी लीव्स हमेशा लश ग्रीन और इतनी हेल्दी ग्रीन और ग्रोइंग है इसका मैं बता नहीं सकती। तो हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो ये वाटर बहुत, ये जो वाटर आप देख रहे हो ना ये बहुत तेज़ी से नीचे आता है, इतना जल्दी इनको वाटर चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही विंटर आएगा तो फिर आप सिक्स डेज़ के बाद वॉश करें। और हमेशा वॉश करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखें कि अब इसको मूव करने की ज़रूरत है नहीं। जब इसको वॉश करें, इसका पानी आपने हटा दिया तो इसका बॉटल हटा दें धीरे से वहीं से, और इस तरह का पैन या बर्तन लेके उसमें, या आपके पास प्लास्टिक का कुछ है छोटा सा टब, उसमें थोड़ा सा वाटर लेके इसको इसकी रूट्स वॉश करें। बहुत ज़रूरी है रूट्स को वॉश करना, उसमें ना टूट जाएंगी रूट्स आपकी जो अननेसेसरी है, या कुछ अननेसेसरी उनको हटा दें। प्रोसीजर मैंने सारा बता दिया है, आप इसको ज़रूर रखें, फिर आप बताना कि आपने कैसा फील किया। और जो मैंने बताया है बिल्कुल सही पॉइंट बताया है, आप ज़रूर ध्यान रखें रिबन बेसर आप चेंज कर लें। मैं भी इसको चेंज करूँगी, देखती हूँ मुझे कहीं ना कहीं मिलेगा तो वो ज़रूर। तो फ्रेंड्स, मैं आज यही मुझे शेयर करना था, आज का वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक पे था और सिर्फ इसी टॉपिक को लेकर था कि किचन में प्लांट रख सकते हैं या नहीं, और किचन में प्लांट रखा है तो कौन कौन से प्लांट रख सकते हैं, और प्लांट्स रखे हैं तो उनका केयर टिप जो भी है मैंने बता दिया आपको। तो मैंने फ़िलहाल मनी प्लांट रखा है, दूसरा भी प्लांट रखूँगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और प्लांट्स लाने की बाहर से ज़रूरत नहीं है, ये बॉटल है हमारे पास, और फिर भी आपके पास है तो आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो का यही एंड करती हूँ, और आपको ये टॉपिक कैसा लगा, मैंने इसमें वास्तु जो बताया है वो आपको कैसा लगा। अगर आपके पास भी कुछ टिप्स हैं जो मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। लव यू ऑल, बाय। आपको अगर ये टॉपिक थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ। और भी टॉपिक हैं जिसमें इनसे ही रिलेटेड मैं बात करूँगी, मनी प्लांट से ही रिलेटेड। लव यू ऑल, बाय फ्रेंड्स।